Go. Good evening, everyone. Myself, Purvi Gothi, and I feel very honored that IIU providing me this platform to share an important topic, which is anemia. Let's talk a little about IIU first. International Internship University, IIU, is a leading virtual education system and global brand confederation, which is the most valuable and trusted worldwide and well-reputed in delivering innovative programs. Globally, it is a trusted name for quality training program and is committed to providing better and virtual education to all the young learners of the globe. IIU is metamorphosing the conventional education system by cutting down the additional cost and providing access to more than 1,000 plus courses and internship to their e-learners across the globe with the help of 1,000 plus global educators. In a short span of time, IIU has spread its wing in 195 countries and 6 continents under the strong leadership of its visionary founder, Mr. Piyush Pandit sir. Thank you so much, sir, that you have provided me this platform, as anemia bahut hi zyada worldwide spreading disease hai. So to know about anemia and to mujhe anemia ke topic ke bare mein share karne ke liye is platform ko provide karne ke liye thank you. Ab main apna interaction de deti hu. Myself Purvi Gothi, I am assistant professor and exologist, and इस समय मैं आपको अनीमिया के बारे में इसलिए बताना चाह रही हूँ बिकॉज अनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है क्योंकि ये बहुत कॉमनली वाइड स्प्रेड हो रही है, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड टॉक अबाउट अनीमिया. So first, understand the definition of anemia. Anemia is defined as the decrease below normal limits. These are the components which are decreases. Okay, so हम ये कह सकते हैं कि anemia है. Normal hemoglobin concentration, erythrocyte count or RBC count, hematocrit, and decrease in the oxygen carrying capacity of the blood. हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन जो है वो नॉर्मली 14 to 18 ग्राम पर डीएल होता है. ठीक है, 13 to 16 ग्राम पर डीएल इन वुमेन्स होता है एंड 13 to 17 ग्राम पर डीएल इन मेन होता है. ठीक है, मोर प्रिसाइजली 12 to 15 ग्राम पर डीएल इन फीमेल्स एंड 13 to 17 ग्राम पर डीएल इन मेल्स. ठीक है, अगर इससे कम कंसेंट्रेशन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो अनेमिक है. सिमिलरली आरबीसी काउंट अगर कम है किसी पेशेंट के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि वो पेशेंट जो है वो अनेमिक है. हेमाटोक्रिट वैल्यू रेशियो पैक रेसल्स टू टोटल ब्लड काउंट. इफ द पेशेंट कम टू अस एंड वी कलेक्ट द ब्लड इन अ टेस्ट ट्यूब और अ कैपिलरी ट्यूब और हम उसे रख दे रूम टेम्परेचर पे या फिर हम उसे सेंट्रीफ्यूज कर दे. सेंट्रीफ्यूज एक प्रोसीजर होगा जिससे हम ब्लड को दूसरे कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते. जैसा कि आप देख रहे हैं ये दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब और हमने इसे सेंट्रीफ्यूज किया है तो प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्स. दिस इज अ बफी कोर वेयर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर डिपॉजिटेड एंड वी आप देख रहे हैं रेड द सेल्स डिपॉजिटेड. तो जब हम ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो रेड द सेल्स जो है वो नीचे डिपॉजिट हो जाती है, एक के ऊपर एक जो है वो क्या हो जाती है, पैक्ड हो जाती है. तो हिमाटोक्रिट जो है वो रेशियो होता है एंड पैक्ड सेल्स का टू द टोटल ब्लड वॉल्यूम. ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या होता है 40 to 50% होता है इन मेन एंड 36 to 45% होता है वुमेन में. अगर ये रेड ब्लड सेल्स का जो पैकेजिंग है ये घट जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो अनेमिक है. ठीक है, एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. एज वी ऑल नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी. आरबीसी का फंक्शन होता है
आरबीसी का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना एंड दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ठीक है, ऑक्सीजन को दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना और वहां पे ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज करना, राइट। तो आरबीसी जो है वो अगर कम हो जाएंगी एंड आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उससे ऑक्सीजन बाइंड करती है, राइट। तो अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन एंड आरबीसी का कंसंट्रेशन हमारे अंदर कम हो जाएगा तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड घट जाएगी। तो जब ये चारों कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में घट जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एरिथ्रोसाइट कंसंट्रेशन, हीमेटोक्रिट एंड द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट इज एनीमिक। नाउ द सेकेंड स्लाइड इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। Okay, so there are several classification of anemia, but the two commonly used are morphological classification and etiological classification. Morphological classification ke according hum anemia ko according to the red blood cell size and their degree of hemoglobinization ke basis pe classify. Red cell size matlab agar normal person ka agar hum RBC dekhe तो उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल साइज की होंगी, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मोसिटिक। पर कुछ अनीमिया ऐसे होते हैं जिसमें रेड सेल्स ब्लड साइज जो है वो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। अगर घटेगा तो हम उसे बोलेंगे माइक्रोसिटिक अनीमिया और अगर बढ़ जाएगा तो उसे बोलेंगे मैक्रोसिटिक अनीमिया। ओके, एंड डिग्री ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन जो कि रिफ्लेक्टेड होती है बाय द कलर ऑफ रेड सेल्स, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मोक्रोमिक होगी और अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट रेड ब्लड से घट जाएगा रेड ब्लड सेल से तो वो हाइपोक्रोमिक होगी। मे बी अभी तक स्लाइड मूव ना कर रही हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये बताया है कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। रेड सेल साइज और डिग्री ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन के बेसिस पे हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें रेड सेल साइज जो है वो नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक है एंड डिग्री ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन जो है वो रेड कलर से डिपेक्ट करता है। अगर रेड कलर नॉर्मल है तो हम उसे नॉर्मोक्रोमिक कहेंगे, जैसा कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स में होता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन अमाउंट घट जाएगा, सी रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। ओके, तो हीमोग्लोबिन जो है वो अपने नॉर्मल कंसंट्रेशन से घट जाएगा, पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा, तो कैसे दिखेगा रेड ब्लड सेल्स, हाइपोक्रोमिक, मतलब रेड ब्लड सेल्स का कलर कम हो गया, हाइपो मतलब कम एंड क्रोमिक मींस कलर। ओके, नाउ द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कॉज एंड द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ एनीमिया, ठीक है, दिस पे इस पे एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड करता है। एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन टर्न तीन क्लासिफिकेशन आते हैं, ब्लड लॉस, इम्प्योर रेड सेल प्रोडक्शन एंड इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन। ब्लड लॉस, क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लीजन है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है वो घट रही है, हीमोग्लोबिन घट रहा है, ठीक है। इम्प्योर रेड सेल प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी की वजह से रेड सेल का प्रोडक्शन इम्पेयर हो जाता है, ठीक है। जैसे विटामिन बी ट्वेल्व का प्रोडक्शन कम हो, अगर हमारे अंदर विटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशेंसी हो जाएगी तो हमारे अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप कर जाएगा। अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमारे अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन, अगर हमारे अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से चीजें हो रही है, ठीक है, इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, रेड सेल प्रोड्यूस तो हो रही है बट वो अपनी पूरी इंटायर लाइफ स्पेन कंप्लीट नहीं कर रही। ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 डेज। ओके, अगर वो अपने 120 डेज के पहले ही डिस्ट्रक्ट हो जा रही है, टूट जा रही है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी जिसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है। जिसमें क्या हो सकता है, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया, हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो सिकल सेल के हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी आरबीसी टूटने लगती, ठीक है। जैसे कि थैलेसीमिया, जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती,
जैसे कि पायरोवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, G6PD की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो आरबीसी का मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो डिस्ट्रक्ट करने लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रेड सेल डिस्ट्रक्शन के अंदर अनीमिया क्लासिफाई होगा। तो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अनीमिया में ब्लड लॉस आता है, इंपेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन आता है और इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन। ओके, नाउ सीवियरिटी ऑफ अनीमिया हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अनीमिया सीवियर है और कहाँ पे अनीमिया जो है वो माइल्ड है। इफ द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन रेंजेस बिटवीन 9.1 टू 10.5 ग्राम पर डीएल, सो हम ये कहेंगे कि पेशेंट को माइल्ड अनीमिया है। ओके, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज इन बिटवीन 6.0 टू 9.0 ग्राम पर डीएल, तो हम कहेंगे कि जो पेशेंट है वो मॉडरेट एनेमिक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लाइज बिटवीन और इट इज लेस देन 6 ग्राम पर डीएल, देन हम ये कहेंगे कि पेशेंट जो है वो सीवियरली एनेमिक। ओके, सो हम आज के सेशन में तीन इंपॉर्टेंट अनीमियास के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे टाइप्स के अनीमिया होते हैं, बट द थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन ऑफ द थ्री वन इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी के अनीमिया के बारे में बात करें, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है इन द वर्ल्ड, द मोस्ट कॉमन अनीमिया है इन द वर्ल्ड। ओके, सो iron is an essential metal present in the human body and it is present in two forms in human body, one is functional form and second one is storage form. So functional form mein approximately 80% of the functional iron jo hai wo hemoglobin ke andar present hota hai. Theek hai, hemoglobin ko iron jo hai wo banane ka kaam karta hai, 80% of the iron jo hai wo yahi kaam karta hai. Theek hai, और रेस्ट ऑफ द आयरन जो है वो स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट है और स्टोर्ड है इन द बॉडी इन द टू फॉर्म व्हिच आर फेरिटिन एंड हीमोसिड्रिन। सो नाउ हम ये देखेंगे कि क्या कैसे हमारे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो रहा है। तो पहले ये हम ये डायग्राम को समझते हैं। हमने अभी प्रीवियसली स्लाइड में देखा कि जो स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन है वो क्या है, सिर्फ फेरिटिन है। ये जो आपको ग्रीन कलर दिखा रहा है ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन दिखा रहा है, एंड ये दिखा रहा है आपको रेड कलर दिखा रहा है कि सिर्फ आयरन कंसंट्रेशन। ओके, सो सबसे पहली स्टेज जो होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के डेवलप होने की, उसमें स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो कम हो रहा है, पर जो हमारा सीरम लेवल ऑफ आयरन है मतलब जो हमारे ब्लड में आयरन प्रेजेंट है वो अभी नॉर्मल है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एरिथ्रोपोएसिस हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि स्टोरेज फॉर्म तो पूरा डिप्लीट हो ही गया है पर सीरम लेवल भी आयरन का डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होने लगा है, पर अभी अनीमिया नहीं प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अभी पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल कंसेंट्रेशन में है, आयरन के स्टोर पूरी डिप्लीट हो चुकी है और आयरन सीरम में से भी कम हो चुका है। ठीक है, द थर्ड स्टेज पे कि जो हमारा फंक्शनल आयरन है वो भी डिप्लीट हो गया, स्टोरेज आयरन भी डिप्लीट हो गया और हमारे बॉडी में अनीमिया प्रोड्यूस हो गया। तो एकदम से अनीमिया नहीं प्रोड्यूस हो जाता है, थ्री स्टेजेस में अनीमिया प्रोड्यूस होता है। पहले स्टोरेज फॉर्म डिप्लीट होता है, देन सीरम आयरन लेवल डिप्लीट होता है, एंड देन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो डेवलप होता है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, क्या कॉजेस है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के? डायट्री डेफिशिएंसी, अगर हमारी इनटेक जो हम फूड इनटेक ले रहे हैं उसी में अगर आयरन की कमी होगी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो डेवलप हो जाएगा। जैसे कि अगर मिल्क फेड इन्फेंट बिकॉज ऑफ लो आयरन कंटेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, जो मिल्क है वो फेड जो इन्फेंट्स हैं वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इनटेक करते हैं, अगर उस ब्रेस्ट मिल्क में ही लो आयरन कंटेंट है तो क्या होगा, डायट्री डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है,
जो एडल्ट अपना प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर फूड नहीं खाते हैं, फास्ट फूड के ज्यादा डिपेंड करते हैं, उनमें भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया डेवलप हो सकता है. ठीक है, जो पीपल लो सोशल इकोनॉमिक सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनमें भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं. एंड वेजिटेरियंस जो कि पुअरली एब्जॉर्बेबल इनऑर्गेनिक आयरन को कंटेन करते हैं. ठीक है, इंक्रीज डिमांड, अगर हमारी बॉडी में डिमांड ऑफ आयरन बढ़ गई है और हमारी जो इनटेक ऑफ फूड है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारी बॉडी में डेवलप हो जाए. जैसे कि ग्रोइंग इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडोलसेंट, ग्रोइंग एज ऑफ द चिल्ड्रन, अगर ग्रोइंग एज ऑफ द चिल्ड्रन है और वहाँ पे बोन की ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो अगर वहाँ पे आयरन हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है और हमारी बॉडी उसे फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो हमारे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा. सिमिलरली प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम पे भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ आयरन हमें रिक्वायर्ड होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में हम नॉर्मली देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे फूड्स लेने चाहिए जो कि हमारे आयरन की कमी को फुलफिल कर सके. ठीक है, क्रोनिक ब्लड लॉस, अगर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि अल्सर्स डेवलप हो चुके हैं, कार्सिनोमा हो गया है, कोलोनिक कार्सिनोमा हो गया है, या हुक फॉर्म का इन्फेक्शन हो गया है, तो इस टाइम में क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा होगा, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाए. राइट, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जैसे कि सिस्टोसोमियासिस हो चुका है, ठीक है, तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर कफ हो रहा है, कफ में ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कि हमारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है हर टाइम, जब भी हम कफिंग कर रहे हैं तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है, जो कि क्रोनिक ब्लड लॉस के अंदर ही आएगा, तो हमारे अंदर अनीमिया डेवलप हो सकता है. राइट, तो दिस आर द फ्यू कॉजेस जो कि अनीमिया को डेवलप कर सकते हैं. So these are the clinical features. Okay, the presenting signs and symptoms are frequently related to both anemia and the underlying cause of the anemia. Okay, जो signs and symptoms हमें patient के अंदर दिख रहे होते हैं, वो किस वजह से anemia develop हुआ है, उस पे base करते हैं. ठीक है, कि gastrointestinal disease की वजह से develop हुआ है, malnutrition की वजह से develop हुआ है, pregnancy की वजह से develop हुआ है, किस वजह से develop हुआ है, उसके basis पे ही हमें signs and symptoms दिखते हैं. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ही कंप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, थकान, ब्रेथलेसनेस, वीकनेस होने लगती है और इरिटेबिलिटी होने लगती है पेशेंट के अंदर. और ये जैसे जैसे सिवियरिटी ऑफ एनीमिया इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे ये सिम्टम्स और वर्सन होते रहते हैं. राइट, अपीयरेंस ऑफ पाइका, क्रेविंग फॉर आइस होने लगती है. जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, कि उन्हें क्या होता है कि चॉक खाते हैं, तो चॉक क्यों खाते हैं, बिकॉज उनके अंदर कैल्शियम कमी होती है, उन्हें क्रेविंग होती है कि वो कुछ कैल्शियम का सामान है, तो वो चॉक खाने लगते हैं. ठीक है, वैसे ही आयरन डेफिशिएंसी के टाइम पे क्रेविंग फॉर आइस बढ़ जाती है. ठीक है, जिसको हम टैकोफास्या बोल रहे हैं. ठीक है, तो अपीयरेंस ऑफ पाइका होता है, जिसमें पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी के दौरान आइस की क्रेविंग होने लगती है. एंड क्या होता है, ग्लॉसाइटिस डेवलप हो जाता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है. ये क्या होता है, हमारे टंग के ऊपर पैपिलेस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी एट्रोफी होने लगती है, जिसकी वजह से जो टंग है वो रेड, स्मूथ एंड बिग सी अपीयरेंस की हो जाती है, जिसे हम कह रहे हैं ग्लॉसाइटिस. ठीक है, एंड एंगल्स ऑफ माउथ पे अल्सरेशन प्रोड्यूस होने लगता है, जिसमें हम कह रहे हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस. ठीक है, एंड कोलोनजिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी नेल्स है वो स्पून शेप हो जाती है. ठीक है, तो दिस आर दी सम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. अब अगर हमारे लैब में पेशेंट आए एंड कंप्लेन करे कि उसको बहुत ज्यादा फटीग है, उसको चक्कर आ रहा है, वो थोड़ी सी दूर चल रहा है तो उसे बहुत ज्यादा थकान हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम अनीमिया का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कहीं पेशेंट अनीमिक तो नहीं हो गया. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे ब्लड सैंपल लेते हैं. ठीक है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, वी कैन टेक द बोन मैरो सैंपल आल्सो. ठीक है,
एंड हम क्या क्या चेक कर सकते हैं उससे, हम हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर सकते हैं. तो अगर पेशेंट अनिमिक होगा तो लो हीमोग्लोबिन लेवल होगा, अगर पेशेंट में अनेमिक होगा तो उसमें हिमाटोक्रिट लो होगी. जैसा कि हम आपको बता चुके हैं व्हाट इज हिमाटोक्रिट इन द फर्स्ट स्लाइड ओनली. ओके, लो सीरम आयरन लेवल होगा. अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें क्या होगा, आयरन लेवल जो है वो सीरम से डिक्रीज हो चुका होगा. स्टो फॉर्म ऑफ आयरन है विच इज सीरम फेरिटिन, उसका लेवल भी लो हो चुका होगा. जब हम आरबीसी को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें आरबीसी कैसे दिखेगी, माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक. एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, राइट. तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी घट जाएगा बिकॉज आयरन का अमाउंट घट रहा है. जब हीमोग्लोबिन का अमाउंट घटेगा तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो रेड नहीं रहेंगी, वो क्या हो जाएगी, पेलर हो जाएंगी, रेड से हल्का कलर दिखेगा, जिसको हम कह रहे हैं हाइपोक्रोमिक. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कम्स अंडर द हाइपोक्रोमिक. अगर हम इसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफाई करें तो वो अपनी साइज में छोटी हो जाती है, जिसको हम कहेंगे माइक्रोसिटिक, और जो अपना रेड कलर है वो भी खो देती है. ठीक है, वो क्या देती है, मतलब उनका जो रेड कलर है वो थोड़ा और लाइट हो जाता है, वो पेलर देखने लगते हैं. ठीक है, जिसको हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का अगर हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो वो माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक दिखेंगी. और अगर हम बोन मैरो सैंपल ले तो वहां पे भी हमें आयरन स्टोर कम दिखेगा. एज वी ऑल नो कि हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो WBC हो, चाहे वो RBC हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, वो कहाँ बन रही होती है, बोन मैरो में बन रही है. ठीक है, तो हम बोन मैरो सैंपल्स भी लेते हैं अनिमिया का टेस्ट करने के लिए, लेकिन हम वो रेयरली लेते हैं बिकॉज बोन मैरो सैंपल लेना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट. ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम ओरली एंड पेरेंटली जो है आयरन को पेशेंट को देते हैं. मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, ओरली देते हैं. ठीक है, तो यूजली फेरसल्फेट इज गिवन ओरली एज इट इज इफेक्टिव, वेल टॉलरेटेड एंड इनएक्सपेंसिव. ओके, फेरस फ्यूमरेट एंड फेरस ग्लूकोनेट कैन ऑल्सो बी यूज, बट दे हैव इक्विवेलेंट साइड इफेक्ट. ओके, तो ऑप्टिमल एडल्ट डोज इज 200 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन गिवन ईच डे. एज आयरन कॉजेस गैस्ट्रिक इरिटेशन, so it should be given with the meals. Absorption is enhanced. हमारी body में iron absorption जो है वो citrus foods, meat, poultry and fish जैसे foods अगर हम खाएंगे iron के साथ तो हमारी absorption increase हो जाएगी. And this absorption is inhibited by the cereals, tea and milk. Okay? तो बहुत से लोगों को gastric irritation हो जाती है, nausea का feeling होने लगती है, diarrhea होने लगता है. ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हमें absorption को एनहांस करने वाले फूड्स को लेना चाहिए. ठीक है, नाउ द सेकंड टाइप इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. दिस इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12 एंड फॉलिक एसिड. ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनीमिया है कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस. द इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12 एंड फॉलिक एसिड. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन बी12, इफ यू नो काइंडली राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, लेटर ऑन मतलब इस स्लाइड में हम आपको बाद में बताएंगे व्हाट इज द फुल नेम ऑफ विटामिन बी12. ओके, सो distinct morphological changes in hematopoietic cells ho jati hain, that is of nucleus and being delayed in relation to that of cytoplasm. Okay. So hota kya hai megaloblastic anemia mein, isme jo nucleus hai uski maturation lags behind karti hai with the maturation of the cytoplasm. Okay, hota ye hai ki DNA jo hai wo four nucleotide se bana hota hai, right, thymidine, adenine, cytosine and guanine. One of the component of the DNA, which is thymidine, जो है उसे produce करने के लिए vitamin B12 and folic acid necessary होता है. ठीक है, when deficiency of vitamin B12 and folic acid हो जाती है तो DNA synthesis क्या होता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से nucleus जो है वो पूरी तरह से mature नहीं हो जाता है, but cytoplasm जो है वो पूरी तरह से mature होता है. ठीक है, जिसकी वजह से जो है cytoplasm अपनी size को बढ़ाता रहता है एंड न्यूक्लियस जब मेच्योर हो जाता है तब जाके साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर्स. सेल साइकिल चलती है जिसमें वन जो मदर सेल्स होती है उससे दो डॉटर सेल्स होती है, राइट. तो उस
थ्री में न्यूक्लियस जो होता है वो दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होता है, उसके लिए न्यूक्लियस को मैच्योर होना होता है, पर ड्यू टू द विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी न्यूक्लियस जो है वो टाइम पे मैच्योर नहीं हो पाता है। साइटोप्लाज्म जो है अपनी सेल साइज बढ़ाता रहता है जिसकी वजह से हीमेटोब्लास्ट एनीमिया डेवलप हो जाता है। किसमें डेवलप होता है? हिमाटोपोएटिक सेल्स। नाउ व्हाट आर द हिमाटोपोएटिक सेल्स? जिनसे आरबीसी बनती है, ठीक है, जो आरबीसी के प्रिकर्सर सेल्स तो जिनसे आरबीसी बन रही है उन्हें हम हिमाटोपोएटिक सेल्स कहते हैं, एंड वो अपनी साइज में बढ़ जाते हैं। ओके, सो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एग्जैक्टली वही लिखा जो मैंने बताया अभी आपको, हम इसे देखते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज फॉर्मली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व। साइनोकोबालामिन जो है वो फुल फॉर्म है विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है, और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड और विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पेशेंट के अंडर डेवलप हो जाता है। The just coenzyme required for the synthesis of the one of the four nucleotide bases found in DNA, namely thymine. Deficiency of vitamin B12 or folic acid causes defects in the DNA synthesis, which arrested nuclear maturation. Deficiency of vitamin B12 and folic acid जो है वो DNA synthesis में defect cause करते हैं, जिसकी वजह से nuclear maturation arrest हो जाता है, ठीक है? But the synthesis of RNA and protein is normal, which results in the normal cytoplasmic maturation. Thus, the nuclear maturation lags behind the cytoplasmic maturation, and hemoglobinization for cytoplasm continues for a long time. न्यूक्लियर मैचुरेशन लैग्स बिहाइंड, मतलब न्यूक्लियर मैचुरेशन पीछे रह जाता है, तो साइटोप्लाज्म मैचुरेशन एंड हीमोग्लोबिनाइजेशन कंटिन्यू रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन हो जाता है। अच्छा, ये सब आरबीसी के अंदर नहीं होता, जितनी भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इन द बोन मैरो है उन सब के अंदर होगा, विच इज एरिथ्रोइड, मतलब आरबीसी प्रिकर्सर्स, माइलोइड, डब्ल्यूबीसी प्रिकर्सर्स एंड मेगाकैरियोसाइट सीरीज, विच आर प्लेटलेट प्रिकर्सर्स। ओके, so impaired DNA synthesis causes delay in cell division, increased time between division because maturation जो होता है nucleus का lag behind करता है, जिसकी वजह से cell divide, दो cells के divide होने का जो time है वो बढ़ जाता है, this which results in more cell growth and size of the cells. In erythroid series, this nuclear to cytoplasm asynchrony, a nucleus or cytoplasm का asynchrony results in the formation of large nucleated erythrocyte precursor, जिसको हम मेगालोब्लास्ट कहते हैं। In the bone marrow, large number of megaloblastic precursors are not mature enough to be released into the blood, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ मेगालोब्लास्टिक प्रिकर्सर्स हैं वो रिलीज ही नहीं हो पाते और बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे हम कहेंगे इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ जो हमारे प्रिकर्सर सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे, राइट? तो इनप्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के अंदर ये आयरन, अब हम देख पा रहे व्हाई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम अंडर दी इनप्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है? So there is also mild hemolysis of red cells in the peripheral blood. See, as you know, कि जो हमारे body में veins and capillaries होती हैं वो बहुत पतली होती है, right? तो हमारी जो normal RBCs हैं वो इनसे पार कर जाती हैं, but जब हमारी RBCs की size बढ़ जाएगी, when the size of the RBC increases and it passes through this thin thin capillaries, then क्या हो जाएगा, इनका destruction हो जाएगा, right? तो RBCs जो हैं वो अपनी lifespan से पहले destruct होने लगेंगे, ठीक है? तो जब ये पेरिफेरल ब्लड में डिस्ट्रक्ट होने लगेंगी, इनकी हिमोलिसिस होने लगेगी, तो दिस रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस व्हिच रिजल्ट इन द रेज्ड लेवल्स इन द ब्लड। सो इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मेगालोब्लास्ट एनीमिया, तो हम उनके ब्लड में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस का टेस्ट कर सकते हैं। इफ द लेवल ऑफ द लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस इज रेज्ड, ठीक है, अगर उनमें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग megaloblastic anemia, right? The mature RBCs derived from this megaloblast are large, oval, but well hemoglobinized.
जो आरबीसीज मेच्योर आरबीसीज इन प्रिकर्सर से बनेंगी वो लार्ज होंगी, ठीक है, जिनको हम मैक्रोसाइटिक कहेंगे, और वो वेल हीमोग्लोबिनाइज्ड होगी, ठीक है, इनमें जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या था, जो हीमोग्लोबिन था वो क्या हुआ था, लेस मात्रा में प्रेजेंट था, तो हम क्या कह रहे थे कि जो आरबीसी वो कैसा है, हाइपोक्रोमिक है। बट हो सकता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हीमोग्लोबिनाइजेशन इतना अच्छा हो चुका हो कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो हाइपरक्रोमिक हो गए, हाइपर मतलब ज्यादा, क्रोमिक मतलब कलर, तो हमें रेड कलर ज्यादा दिखने लगता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन, तो ऐसा क्या हो रहा है कि विटामिन बी12 की वजह से सेल जो है वो मेगालोब्लास्ट हो जाए, ठीक है। तो विटामिन बी12 जो है वो इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोडक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। मिथाइल कोबालामिन इज द मेन फॉर्म ऑफ विटामिन बी12। विटामिन बी12 का मेन फॉर्म क्या होता है, मिथाइल कोबालामिन, ठीक है, एंड इज एन एसेंशियल कोएंजाइम फॉर कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनीन एंड साइमल्टेनियसली कन्वर्जन ऑफ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। इफ द विटामिन बी12 इज नॉट प्रेजेंट देन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, बट वी रिक्वायर टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। अगर हमें टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं मिलेगा तो डीएनए सिंथेसिस जो है वो क्या करेगा, लैग बिहाइंड होगा, ठीक है। और टेट्राहाइड्रोफोलेट हमें कब मिलेगा, जब हमारा विटामिन बी12 प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, राइट। विटामिन बी12 में जो ये मिथाइल कोबालामिन है, इसका जो मिथाइल ग्रुप है उस मिथाइल टीएचएफ के मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और ये मिथाइल टीएचएफ को टीएचएफ टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सी इन दिस डायग्राम, होमोसिस्टीन इज कन्वर्टेड इनटू मेथियोनीन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम मेथियोनीन सिंथेसिस एंड द कोफैक्टर इज विटामिन बी12। साइमल्टेनियसली और रिएक्शन हो रही है जहां मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। अगर यहां पे ही विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो ना ही होमोसिस्टीन मेथियोनीन में कन्वर्ट होगा, ना ही मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होगा एंड डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, right? So tetrahydrofolate is essential for the generation of a precursor of DNA known as deoxythymidine monophosphate. In vitamin B12 deficiency, the main cause of impaired DNA synthesis is that methyl tetrahydrofolate is not converted into tetrahydrofolate. Methyl tetrahydrofolate accumulates in the cell and is known as methyl tetrahydrofolate trap. जब यहाँ पे vitamin B12 की कमी हो जाएगी तो methyl टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो सेल के अंदर एक्युमुलेट इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ट्रैप। नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के। डिक्रीज इनटेक, अगर हम अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन बी पर लेंगे ही नहीं तो क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकता है। जैसे कि एज एन प्योर वेजिटेरियंस, वो वेजिटेरियंस जो कि दूध एंड दही भी नहीं ले रहे हैं, तो उनके में क्या होगा, विटामिन बी12 की कमी हो सकती है। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, अगर हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा। जब विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो हमारे काम नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अगेंस्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स अगेंस्ट दिस इंट्रिंसिक फैक्टर अगर हो गए तो इट कम्स अंडर द पर्नीशियस एनीमिया, राइट। पर्नीशियस एनीमिया में यही होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अगेंस्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अगर पेशेंट के अंदर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक कॉम्पिटिशन होने लगेगा फॉर द विटामिन बी12। पैरासिटिक जो पैरासाइट जो होंगे, जो हमारे अंदर होंगे, वो हमारे विटामिन बी12 को कंज्यूम कर लेंगे, हमारे लिए विटामिन बी12 नहीं बचेगा, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा। एंड इन इंक्रीज डिमांड, और जैसे कि इन प्रेगनेंसी अगर डिमांड इंक्रीज हो गई और हमारी बॉडी उसे फुलफिल नहीं कर सकी तो विटामिन बी12 जो है वो डेवलप हो जाएगा।
ठीक है, अगर हमारे पास पेशेंट आया तो हाँ क्या कर सकते हैं हम, जब लैबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या कर देखेंगे कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, देखो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हीमोग्लोबिनाइजेशन क्या है, इंक्रीज हो गया है, पर हम यहाँ बता रहे हैं हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? सी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन जब रेड ब्लड सेल काउंट ही कम हो गया है तो इवेंचुअली हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीजेस इवेंचुअली हीमोग्लोबिन काउंट एज ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पर्टिकुलर रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिनाइजेशन बढ़ सकता है। ठीक है, हिमाटोक्रिट भी डिक्रीज हो जाएगा। आरबीसी को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो हमें कैसे दिखेगी, मेजोरिटी ऑफ आरबीसी जो है वो हमें मैक्रोसिटिक एंड ओवल दिखेगी एंड आर डायग्नोस्टिक ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अगर हमें आरबीसी मैक्रोसिटिक मतलब अपनी साइज से ज्यादा बड़ी दिख रही है तो वो डायग्नोस्टिक होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मैक्रोसाइट्स आर लार्जर इन डायमीटर, थिकनेस एंड वॉल्यूम बिकॉज मैक्रोसाइट्स आर थिकर एंड वेल हीमोग्लोबिनाइज, मोस्ट मैक्रोसाइट इवन लैम्प द सेंट्रल पैलर ऑफ नॉर्मल रेड सेल्स एंड इवन एंड कैन इवन अपीयर हाइपोक्रोमिक। ठीक है, क्या होता है, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें जो सेंट्रल रीजन होता है वो पैलर होता है और जो सर उसके बाद जो बाहर का एरिया होता है वो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, पर जो हाइपोक्रोमिक वाली कंडीशन होती है इसमें पूरा एरिया रेड ब्लड सेल्स का जो होता है वो रेड रेड सा दिखता है, इसमें सेंट्रल पैलर दिखता ही नहीं। ठीक है, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देखिए, देखिए इसमें आपको दो चीज दिखाई जा रही है, एक दिखाई जा रहा है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी और एक आपको मैक्रोसिटिक दिखाई जा रही है। देखिए इस जो हाइपर जो तुम्हारा हाइपोक्रोमिक वाला कंडीशन है मतलब जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वाला कंडीशन है, इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ सेंट्रल जो है वो बहुत ज्यादा वाइट वाइट है और जो पेरिफेरल एरिया है उसमें सिर्फ थिन फ्रेम ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, वेयर इज इन माइक्रो मेगालोप्लास्टिक यहाँ पे सेंट्रल पैलर रीजन प्रेजेंट ही नहीं है, ये पूरी सेल जो है वो रेड कलर की है। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हम जब रेड ब्लड सेल्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोप्लास्टिक एनीमिया की रेड सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ये सेंट्रल पैलर रीजन होता है पर हाइपोक्रोमिक आईबीसी में सेंट्रल पैलर रीजन ज्यादा है, ये सेंट्रल पैलर रीजन नॉर्मली कम होता है। ठीक है, और मेगालोप्लास्टिक एनीमिया में तो है ही नहीं। कुछ और टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम परफॉर्म कर सकते हैं सीरम विटामिन बी12 ए से। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम दो ऑर्गेनिजम्स को ले सकते हैं विच इज एगुलेना ग्रासिलिस एंड लैक्टोबैसिलस श्लेष्मा। हम क्या करते हैं, हम दो ऐसे टेस्ट ट्यूब्स ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट का टेस्ट सीरम ऐड कर देंगे, ऐड द टेस्ट सीरम ऑफ द पेशेंट अलोंग विद द माइक्रोऑर्गेनिज्म any one of the microorganism among this and all the necessary growth factor except vitamin B, क्योंकि हम expect कर रहे हैं कि patient के test serum में vitamin B पर जो है वो present हो। ठीक है, and एक test picker जो है वो हमारा क्या है, positive control है, जिसमें microorganism है, all necessary growth factors है and known amount of vitamin B12 है। ठीक है, इसमें test serum नहीं added है। अगर इसमें जो growth आई वही ग्रोथ इसमें आएगी तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट के सीरम में विटामिन बी ट्वेल्व प्रेजेंट है। ठीक है, एटलीस्ट उतना तो है जितना हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, बट अगर वो ग्रोथ नहीं आई जो इसमें आ रही है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट के अंदर विटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी है। वी कैन सी दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, सो व्हाट द नॉर्मल रेंज यूजिंग ई ग्रासिलिस, नॉर्मल वैल्यूज आर 160 टू 925 नैनोग्राम पर लीटर। ठीक है, इफ द वैल्यू इज लेस देन 100 नैनोग्राम पर लीटर देन वी कैन सी दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, सर्वल अदर टेस्ट कैन आल्सो बी डन फॉर द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया लाइक शीलिंग टेस्ट। शीलिंग टेस्ट इज डन फॉर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड द पर्निशियस एनीमिया। क्या डिफरेंस होता है आपको पता है, जब हम प्रीवियसली बता ही चुके हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो जाती है, वेयर एज पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर्स विटामिन बी ट्वेल्व एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। तो
इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है या विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, इन दो चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम शिलिंग टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एनीमिया इज सिकल सेल एनीमिया. ओके, सिकल सेल एनीमिया इज अ होमोजाइगस स्टेट कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन. एज वी ऑल नो दैट हीमोग्लोबिन में दो चेन होते हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन. अगर बीटा चेन में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया डेवलप हो जाता है. ओके, इफ देयर इज अ पॉइंट म्यूटेशन एट द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन देन द सिकल सेल एनीमिया इज डेवलप. ओके, दिस हीमोलिटिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय वैसो ऑक्लूसिव डिजीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द वेसल्स. वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है जो कि वैसो ऑक्लूसिव डिजीज कैरेक्टराइज करती है. ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो जाता है एंड पेशेंट की लाइफ स्पेन भी रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, अलॉन्ग विद द लाइफ स्पेन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी की लाइफ स्पेन तो रिड्यूस होती ही है क्योंकि ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो पेशेंट की भी लाइफ स्पेन रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में पेशेंट जो है वो मेनली उसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन एस होता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन जब एडल्ट्स में होते हैं तो उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन ए, जब फेटस में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन एफ, एंड जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट में प्रेजेंट होता है ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन एस, एंड मोर देन 20% ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो इसी टाइप का सिकल सेल एनीमिया में प्रेजेंट होता है. अगर इससे कम हो, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ए प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन ए जो है सिकलिंग कंडीशन को कम करता है, रिड्यूस करता है. तो सिकल सेल एनीमिया होने के लिए हीमोग्लोबिन एस का मोर देन 70% होना जरूरी है. ठीक है, ये सजेस्ट किया जाता है, ये माना जाता है दैट द एचबीएस ड्यू टू द सिकल शेप प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैल्सीपैरम मलेरिया. ओके, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट फैल्सीपैरम मलेरिया. So, what is the pathogenesis? How the sickle cell anemia develops? Okay, see, sickle cell anemia is a genetic disorder. Okay, it comes under which type of etiological classification? It comes under the increased red cell destruction of red blood cells. Okay, increased destruction of red blood cells, which are hemolytic anemia. मतलब third type of etiological classification के अंदर आएगा, जिसमें red blood cells का destruction बढ़ जाता. एक जेनेटिक डिसऑर्डर. सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड सिकल हीमोग्लोबिन. एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया जो है वो डेवलप हो जाता है. इसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है जिसमें कि जैसे हमें पता है डीएनए जो है वो एडेनिन हाइब्रिडिन साइटोसिन एंड ग्वानिन से बना होता है. ठीक है, तो जो तीन कोडोन्स होते हैं उसमें वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं, और अगर एक भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा तो दूसरा अमीनो एसिड कोड हो जाता है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जी ए जी होना चाहिए, पर जी ए जी की जगह क्या हो गया है, जी टी जी हो गया है. ठीक है, ये जी ए जी की जगह क्या हो गया है, जी टी जी हो गया है. ए जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है टी की जगह. ठीक है, इन द कोडोन ऑफ 6 ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन. तो ड्यू टू दिस पॉइंट म्यूटेशन results in the replacement of the normal glutamic acid to valine. जो glutamic acid बनना चाहिए था वो क्या बन गया है, valine बन गया है, जिसकी वजह से solubility alter कर जाती है, stability of the hemoglobin alter कर जाती है, and क्या होता है, hemoglobin जो है वो sickle cell का बन जाता है. ठीक है, जिसको हम कैसे denote कर सकते हैं, हम ऐसे denote कर सकते हैं alpha to beta to सिक्स पोजीशन पे क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज हो चुका है, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज. व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, सी समझते हैं. सी, जब तक हमारी हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करना है ना. हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आरबीसी क्या करती है, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को लेके जाती है, ऑर्गन से CO2 लेती है, CO2 को हम क्या कर देते हैं, इनहेल कर देते हैं. ठीक है, तो
ऑक्सीजन आरबी से कैसे लेके जाती है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। तो जब तक हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे कि हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन की क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करने लगेंगे, एक्युमुलेट होने लगेंगे, एग्रीगेट होने लगेंगे और लॉन्ग रिजिड पॉलीमर्स बना देंगे, जैसे हम कहेंगे टेक्टोइड्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिकलिंग है, ठीक है, जो एक्युमुलेशन है, जो एग्रीगेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीजनेशन पे। अगर नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो सिचुएशन नॉर्मल है, बट इफ द ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, द स्टेट इज डीऑक्सीजनेशन, तो क्या होगा, HB जो है एग्रीगेट होने लगेंगे एंड टेक्टोइड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। HbS इज फॉर सिकल हीमोग्लोबिन, वो डीऑक्सीजनेशन और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में पानी कम, राइट, तो डिऑक्सीजनेशन एंड डिहाइड्रेशन से रिएक्ट करने लगेगा एंड सॉलिडिफाई हो जाएगा, सिकल शेप में हो जाएगा एंड आरबीसी को भी क्या करेगा, इलोंगेट करने लगेगा और सिकल शेप में चेंज कर देगा और हीमोलिटिक एनीमिया को प्रोड्यूस कर देगा। इसमें हमें आरबीसी कैसा दिखेगा, सिकल शेप या हाफ मून शेप, हाफ मून शेप आपने देखा होगा, क्रेसेंटिक शेप देखा होगा, वैसा हमें आरबीसी इसमें दिखने लगेगा। This RBC, if settled down in the blood vessels, obviously capillaries है, capillaries से biconcave shape of RBC pass हो सकती है। If the RBC changes from biconcave shape to the sickle shape, तो क्या होने लगेगी, RBC में settled होने लगेगी, RBC में इकट्ठा होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, vessels block हो जाएंगी, तो उसकी वजह से abdominal crisis हो सकती है, bone में pain हो सकता है, painful crisis हो सकती है, हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, राइट, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आरबीसी जो कि कैपिलरीज से पास नहीं हो पाएंगी, तो क्या होगी, कैपिलरीज में डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो सिर्फ 70 डेज का रह जाएगा, वेयर एज नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितनी होती है, 120 डेज। तो आप देख सकते हो कि कैसे कितनी जल्दी जल्दी आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने लगती है और उतनी तेज से हमारा बॉडी आरबीसी वापस बना भी नहीं सकता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, ठीक है। अगर हम यही रेड ब्लड सेल्स को ब्लड थिन में देखेंगे, मतलब आरबीसी को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो हमें कैसे दिखेगी, क्रेशन शेप और हाफ मून शेप दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस आरबीसी को ऑक्सीजन वापस दे दें, ठीक है, तो ये अपने नॉर्मल शेप में भी वापस आ सकती है, बट अगर ये रिपीटेड एपिसोड्स होने लगे, बार बार उसी आरबीसी के साथ यही होने लगा, तो वो इरिवर्सिबल डैमेज शो करने लगती है और फिर ये क्या हो जाती है, फेगोसाइटोसिस हो जाती है बाय द मैक्रोफेजिक सेल्स। ये मैक्रोफेजिस का काम ही यही है कि फेगोसाइटोसिस करना, तो वो क्या करते हैं, इन आरबीसी को फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं और आरबीसी इवेंचुअली हमारी बॉडी से हट जाएंगे, राइट। So this process of phagocytosis and hemolytic crisis will depend upon the number of damaged RBCs in circulation. ये जो process of phagocytosis है और ये hemolysis है, ये किस पे depend करेगा कि कितनी RBCs हमारे अंदर damage हो रही हैं। The rigid sickle RBC cannot deform and circulate through the small capillaries, resulting in this capillaries blockage. अब क्योंकि ये deform shape of RBCs हमारी capillaries से pass out नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता था, कैपिलरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। अब कैपिलरीज के ही थ्रू जो है क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अब जब कैपिलरीज ब्लॉक हो गई है तो टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो मतलब एक हिसाब से टिश्यूज के पास नरिशमेंट नहीं पहुंच रही है, वहां पे हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, जिसकी वजह से टिश्यू क्या हो जाएंगे, उनके अंदर नेक्रोसिस होने लगेगी, टिश्यू डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, ऑर्गन डिस्ट्रॉय होने लगेंगे एंड जिससे कि हमारी बॉडी में एक्सट्रीम कंडीशन अराइज हो जाएगी, ठीक है। दिस विल लीड टू हाइपोक्सिया, एक्सट्रीम पेन एंड अल्टीमेटली कॉज द डेथ ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू और ऑर्गन। अगर यही रिपीटिंग प्रोसेस जो है वो स्प्लीन के साथ होगा तो रिजल्ट क्या होगा, नॉन फंक्शनल स्प्लीन हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑटो स्प्लेनेक्टोमी, ठीक है। जैसे कि आप देखिए इसमें इस डायग्राम के थ्रू आप समझिए, ये हमारा हीमोग्लोबिन है जो कि एडल्ट में पाया जाता है, ठीक है। अगर इस हीमोग्लोबिन के यहाँ बीटा चेन के सिक्स पोजीशन पे ये जो ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है,
यहाँ पे ये ग्लूटामिक एसिड चेंज होती है, आप विलीन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे हीमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा, सिकल शेप का हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब डीऑक्सीजनेशन होने लगेगा तो पहले ये ऐसा शेल बनेगा, ठीक है, लेकिन जब हम इसे ऑक्सीजन वापस दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। पर अगर बार बार ऐसा होने लगा तो इरिवर्सिबल सिकल सेल बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, हिमोलिसिस होने लगेगी। और यही क्या कर सकते हैं, वेसल को ऑक्लूजन भी कर सकते हैं, ठीक है, वेसल को ब्लॉक कर सकते हैं। क्या क्या साइंस हो सकते हैं कि पेशेंट के अंदर सिकल सेल अनीमिया है, तो क्या क्या हो सकता है कि लैग अल्सर दिखने लग सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, रीनल डिसीज हो सकती है, बोन मैरो इंफार्क्ट हो सकते हैं, ऑटोस्प्लेनेक्टोमी हो सकती है, ग्लैल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं, GI ट्रैक सिम्टम्स हमें कुछ दिखने लगेंगे। तो दिस आर द साइंस जो कि हमें ये दिखाता है कि पेशेंट में सिकल सेल अनीमिया है। अगर हम सिकल सेल अनीमिक पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ देखिए इस टाइप के जो है क्रेसेंटिक शेप या हाफ मून शेप हमें रेड ब्लड सेल्स दिखेंगे। ये जो एरो है ये आपको दिखा रहा हूँ, इधर भी आप देख सकते हैं, दिस इज अ हाफ मून शेप राइट, या क्रेसेंटिक शेप कह सकते हैं हमें, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, सिकल शेप कह सकते हैं। तो ये सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं। अब हम इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें पहले हम रेड ब्लड सेल्स को लेंगे, ओबियसली उसमें हीमोग्लोबिन काउंट कम होगा, हेमाटोक्रिट कम होगा, हम उसके आरबीसीज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें क्रेसेंट शेप आरबीसीज दिखेगा। और हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हम इसके लिए एक सिग्लिंग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम ड्रॉप ऑफ पेशेंट ब्लड स्लाइड पे रखेंगे और हम ऑक्सीजन कंज्यूमिंग एजेंट हम उस ब्लड ड्रॉप में ऐड करते तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन चेंजेस इनटू द शिकल शेप राइट। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को ऐड कर देंगे और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है वो पेशेंट शेप में चेंज हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले प्रिपेयर 2% सोडियम मेटासल्फाइड सल्फाइड सॉल्यूशन व्हिच इज अ ऑक्सीजन कंज्यूमिंग सॉल्यूशन राइट, देन टेक अ 3 glass स्लाइड, टेक 1 drop ऑफ 2% सोडियम मेटासल्फाइड सॉल्यूशन, देन ऐड 1/2 drop ऑफ पेशेंट ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड, देन मिक्स इट प्रॉपर्ली, कवर प्लेस अ कवर स्लिप ऑन द स्लाइड एंड देन सील द एजेस, ठीक है। हम एजेस को सील कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये तो सबको पता है पैराफिन वैक्स या नेल पॉलिश की वजह से, की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम एग्जामिन करेंगे स्लाइड अंदर द माइक्रोस्कोप, इमिडिएटली भी कर सकते हैं, 3 मिनट भी कर सकते हैं, आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं, या 24 घंटे तक भी देख सकते हैं सिकली को ऑब्जर्व करने के लिए। तो हमें एंड रिजल्ट, अगर पेशेंट सिकल शेप अनीमिया से अफेक्टेड होगा तो हमें क्या दिखेगा, हीमोग्लोबिन एस जो है वो हमें दिखेगा, और जो हमें सेल है वो कैसे दिखेगी, हॉली लीफ अपीयरेंस दिखेगी, या फिर क्रेसेंटिक शेप दिखेगी, या फिर हाफ मून शेप दिखेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आई होप दिस सेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव टू यू ऑल, आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द प्रीवियस सर कि मैं कुछ इंफॉर्मेटिव सेशन लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि अनीमिया क्यों डेवलप होता है, अनीमिया को कैसे चेक किया जा सकता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको अनीमिया के बारे में जरूर सीखने को मिला होगा इस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म जो है हम जैसे यंगस्टर्स को ये प्रोवाइड करता है कि हम कुछ मेडिकल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सके, जिसकी वजह से आप लोगों में अवेयरनेस बढ़े। तो आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल टू द व्यूअर्स सर कि वो हमें ये चांस देते हैं, and I would like to thank you to all कि आपने इतना patience show किया। thank